हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह की हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड था, पदार्थ संरचना एवं गुण, मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये आपके बुक का है चैप्टर नंबर थर्ड, पदार्थ संरचना एवं गुण। इसका हमने पूरा वीडियो भी कंप्लीट, लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मीन्स डेंसिटी के ऊपर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, उससे भी मैंने अभी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं उससे भी। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चंस यहाँ से लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बाकी सब क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए दे सकूँ, जो यंग्स मॉडुलस के ऊपर है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस यानी इलास्टिसिटी के ऊपर है ये क्वेश्चंस, और इसको हमें भेजा है साहिल खान ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो साहिल जी, आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि मैं इसको पोस्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे और भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। और प्लीज़ आप लोग भी क्वेश्चंस देखिए, समझिए, कुछ ना समझ में आए तो आप भेज सकते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ये है कि मास ऑफ 8 kg, 8 kg इज हंग ऑन ए मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक मेटालिक वायर जो है, एक धातु के क्या बोलते हैं उसको, रॉड, रॉड बोलिए या फिर वायर तार बोलिए, तो उसका जो उस पे 8 kg का मास इस तरह से लटका दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये है, एक धातु की बना हुआ एक तार है, इस पर हमने 8 kg का वेट लटका दिया। ठीक है, जिसका लेंथ 2 मीटर है, इसका जो लेंथ दिया है वो 2 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है इस वायर का। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जैसे ये वायर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 mm² है। यहाँ पर हमें उस वायर का एरिया भी दे दिया, यानी कि हमें दे दिया है क्षेत्रफल भी दे दिया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज इतना, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस भी दे दिया हमें। ठीक है, तो व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ दिस वायर, हम आसानी से इसको फुट करके निकाल सकते थे। हमारे पास ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल, कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ होता है, और स्मॉल एल जो विकृति आई मीन्स उसमें कितना इलास्टिसिटी हुआ वो एल है। और वाई को हम लोग, यदि वाई वाई है यंग्स मॉडुलस, एफ है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, ए है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और एल है मूल इकाई, और स्मॉल एल है वो मूल इकाई में जितनी विकृति आई। ठीक है, तो हम लोग एफ को कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जो कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है हमें। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबका यूनिट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये केजी में है, ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये डाइन सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमें क्या करना होगा। मेन प्रॉब्लम हमें यहीं पर ही है कि हम सबका यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर सके, पहले कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। यही गलती हो जाती है बहुत सारे बच्चों से कि वो बस सिंपली पुट कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें याद रहे, साथ साथ में हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है, और बिना यूनिट के आप इस तरह का बनाएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, नंबर तो छोड़िए, आपका ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले यूनिट को एक में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि वाई इज इक्वल टू, जैसे हमारा फॉर्मूला है उसमें हमारा वाई क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो हमने डाइन को किस में कन्वर्ट किया, न्यूटन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि वो 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल होता है 1 न्यूटन होता है। तो ठीक है, तो आप इतना न्यूटन का, इतना डाइन का कितना न्यूटन होगा, 2 × 10 टू द पावर 12 डाइन का। साथ साथ में यूनिट भी लिखते जाइएगा। ठीक है, तो होगा आपका इतना बाई 10 टू द पावर 5, इसको हमने ये किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास इतना न्यूटन आया। ठीक है, तो ये हमने सबको इसको न्यूटन में किया, क्योंकि हमारा जो मास है वो केजी में है, फिर ये जो लेंथ दिया है वो मीटर में है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 mm को हम लोग 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए एम का मान दे दिया है हमें, जी का वैल्यू पता होता है, जी का वैल्यू होता है हमारा न्यूटन में ही, उसको भी हमें याद करना होगा, 9.81 न्यूटन। ठीक है, आप कैपिटल एन भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उसी पर ही हमें इसको पुट करना है, इसी फॉर्मूले पर हमें इसको पुट करना है। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम, एम क्या कितना है, 8 है, जी का वैल्यू कितना है, इतना है 9.81। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, हमें ये मिला है 10 टू द पावर माइनस 6,
उसके बाद कैपिटल एल मीन्स ओरिजिनल लेंथ कितना है, 2 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल, क्योंकि हमें वाई दे दिया है यानी कि यंग्स मॉडुलस दे दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 10⁻⁷ × 10⁻⁶ = 8 × 9.81 × 2 × और ये L आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 9.81 × 2 डिवाइडेड बाई, ये चला गया इस पर, तो कितना बचा हमारे पास, 2 × यहाँ पर हमें बचा सिर्फ मिला है 2 × 10 और इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.848 मीटर, यानी कि जो लंबाई में वृद्धि हुई वो इतने मीटर की वृद्धि हुई, ठीक है। ये आंसर है। देखिए साहिल जी, मुझे आंसर का तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से बनेगा। आप कोशिश करिएगा कि जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स आपके पास आते जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के पास भी आते जाएंगे, तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को यूनिट के आधार पर पहले कन्वर्ट करिएगा, फिर उसको पुट करिएगा, ठीक है। इसके आधार पर हमारे बुक में भी 2 न्यूमेरिकल हैं जो हम इसी आधार पर बनाएंगे, जो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो पहले वो भी देख लेते हैं, यदि ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F/A × L/L। यहाँ एफ क्या है, फोर्स है, ए क्या है, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। हम लोग एफ को M × G में लिखते हैं, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को, जैसे कि वो वायर है तो उसका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा। ओरिजिनल लेंथ हमें मिल चुका है, L दे दिया है 2 मीटर, और हमें जो उस लेंथ में वृद्धि हुई है वो हमें निकालना है, ठीक है। वाई का मान भी दे दिया है, तो पहले हम लोग वाइट को, सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मीटर है, ये तो मीटर में ही है, केजी में ही है, और ये भी मीटर में भी है। अब पाई आर स्क्वायर को हम लोग 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर। बाकी सबको हम लोग इस फॉर्मूले पर पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यंग्स मॉडुलस का है, कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यांकी की प्रश्न। मैं इसको बाद में भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगी और जल्दी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जो यंग्स मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी हो उस टॉपिक को लेकर, इसलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल को बताया जा रहा है। बुक का नाम है अभिनव और भौतिक एवं रसायन विज्ञान। उस बुक से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन का बता रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान बताइए। यहाँ जी का मान भी दे दिया है, 10 वर्ग मिलीमीटर दिया है, समान परिच्छेद यानी कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया, एम दे दिया। तो जब हमारा वर्ग मिलीमीटर है और मास किस में है, केजी में है, और जी का मान कितना है, वो भी मीटर में है या न्यूटन कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ग मिलीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁶ से डिवाइड करके। याद रखिएगा यूनिट सब एक समान ही होना चाहिए, क्योंकि मास है हमारा केजी में और जी का मान भी मीटर में ही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁵, ये ऊपर चला गया तो 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, हमारा हमें पूछ रहा है प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है वस्तु पर आरोपित बल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उस वस्तु का, उस वस्तु पर आरोपित बल और उसका एरिया, इसका जो स्ट्रेस, इसी का ही फॉर्मूले के ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो वस्तु पर आरोपित बल यानी कि F/A, एफ इज इक्वल टू होता है M × G/A, यहाँ पर A को हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर M का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 kg है। G का मान कितना है, 9.8 है, और ये कितना है, 10⁵ मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ये ले जाएंगे तो हमारा कितना होगा, 9.8 × 10⁵, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता है। तो स्ट्रेस हमें, प्रतिबल हमारा मिल गया इससे 9.8 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4 मीटर लंबे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तार 4.8 × 10³ न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग गुणांक यानी कि यंग्स मॉडुलस 1.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल निकालिए, स्ट्रेस निकालिए, विकृति निकालिए, स्ट्रेन निकालिए, लंबाई में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा कि आपके क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 4.0 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट 1.2 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया हमें, यह तार का बल भी दे दिया 4.8 × 10³ न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है, तार का यंग गुणांक यानी यंग्स मॉडुलस भी दे दिया हमें 1.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस निकालना है, विकृति यानी कि स्ट्रेन निकालना है, और लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि एल दिया हुआ है, एल 4.0 मीटर यानी मीटर में है, यूनिट सबका एक होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा, एरिया यानी कि 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस में, सेंटीमीटर टू मीटर में जाएंगे तो 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ हो जाएगा। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमें पहले से ही न्यूटन में दिया हुआ है 1.8 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस इजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं फोर्स बाय एरिया, फोर्स इजिकल टू क्या हुआ 4.8 × फोर्स हमें दिया हुआ है, हमने देखा कि इतना न्यूटन के बल से वो तार को खींचा जाता है, यानी कि 4.8 × 10³ डिवाइडेड बाय क्या, एरिया, हमें इस एरिया से डिवाइड करने पर हमें इतना आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। अब हमें निकालना है स्ट्रेन, विकृति, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है, आप ये भी ऐसे भी इसको फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला से कि y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, हाँ। तो जब हम लोग इसको स्ट्रेन निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को डिवाइड कर दीजिए किससे, y से, या मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, तो स्ट्रेस हमारा कितना आया है 4 × 10⁻⁷ और y कितना है 1.2, y है हमारा 1.2 × 10⁻¹, हम इसे यदि हम इसको ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा समथिंग 3.3 × 10⁻⁴, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा −4, इसकी जो यूनिट है स्ट्रेन यहाँ पर वही होगा, ठीक है, इतना आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंबाई में वृद्धि यानी एल को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू ओरिजिनल एल बाई स्मॉल एल, वाई कितना है हमारे पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एल निकालना है, तो एल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू होता है एफ बाई ए इंटू एल बाई एल, ठीक है, एल है ओरिजिनल एल और जो लंबाई में वृद्धि हुई वो है स्मॉल एल, एफ है, ये फॉर्मूला हम पहले भी इसको दिखा चुके हैं, मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, तो हमारे पास जो वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 × 10⁻¹, एफ हमें पता ही है एफ इज इक्वल टू 4.8 × 10³, एरिया हमें पता ही है, ठीक है, 1.2 × 10⁻⁴, और कैपिटल एल भी पता है हमें 4, और हमें क्या निकालना है स्मॉल एल, स्मॉल एल को निकालिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और उसके बाद हमें मिलेगा, यहाँ पर एल निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.8 × 10³⁾ डिवाइडेड बाय 1.44, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये इसके साथ गया तो मिलके हो गया 10⁷ इतना। अब ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ इसी तरह का, यहाँ आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में आंसर है, ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी आराम से निकाल सकते हैं, तो जो भी आंसर होगा इतना डिवाइड करने के बाद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी शो नहीं कर रही हूँ, तो जो बुक में है वो मिलीमीटर में आंसर है, हमें कितना, हमने किस में इसको पूरा निकाला है, हमने निकाला है मीटर में, तो घबराने की बात नहीं है, मिलीमीटर में क्यों जाएंगे हम लोग जब मीटर में सब कुछ है ही, तो ठीक है। तो इस तरह से करके हमने यंग्स मॉडुलस का आज 3 न्यूमेरिकल देखा, तीनों में अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग प्रकार के थे, पर ध्यान देने की बात क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट एक ही रखना है, यूनिट में जरा गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखते हुए यंग्स मॉडुलस के ऊपर ये तीन न्यूमेरिकल हमने किया। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसको जल्दी प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। और प्लीज और भी बच्चों को शेयर करिए। मुझे याद आता है कि जब मैं इस तरह के 11 और 12 में थी और जब मैंने साइंस लिया था और 9-10 में तो बहुत ही मुश्किल था, 9-10 में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन जब मैं 11-12 में थी तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था साइंस को लेकर। वो इसलिए कि हमारा जो बैचेस स्टार्टेड होते थे वो 30 to up to 50 स्टूडेंट्स के होते थे और हम लोग एक भी क्वेश्चन को पूछ नहीं पाते थे। आज आपके पास इतना सारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किया है कि आप खुद से आप क्वेश्चन भी टाइप करके भेज सकते हैं और उसका आंसर भी आपको मिल जा रहा है। तो प्लीज़ और प्लीज़ इस टाइम का यूज़ करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप फ्यूचर आपके हाथ में है, ठीक है। तो प्लीज़ अब पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, और जब ध्यान देंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है और बस समझने की देरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ओके, थैंक यू।